हाय एवरीवन, आज आए हम पलिया एयर स्ट्रिप, जो कि पलिया से 7 किलोमीटर दूर मुझा एरिया में है। ये सामने जो बिल्डिंग चमक रही है, ये रेस्ट एरिया है, जहाँ पर कोई भी प्राइवेट जेट या जब भी हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा आता है तो यहाँ पे इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी प्रोसेस होता है यहीं होता है। ये सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये रडार एक तरीके का है, जब एरोप्लेन को सिग्नल देने के लिए यूज़ किया जाता है। इस बिल्डिंग के पीछे मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से एंट्री लेते हैं। उसके बाद में ये मेन स्ट्रिप आ जाती है, और एयर स्ट्रिप जहाँ से प्लेन लैंड और टेक ऑफ होता है। ये इंस्पेक्शन करते हुए इस साइड से प्लेन या जेट, प्लेन तो नहीं कहेंगे, जेट, छोटा जेट लैंड करता है। हालांकि रनवे की कंडीशन बहुत बेकार है, गंदगी हो रखी है, कोई सफाई नहीं होती है, गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान देती है, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो भी नहीं ध्यान देते हैं, जो यहाँ रहते हैं। ये कुछ रनवे है जिसके साइड साइड में घास खड़ी हुई है, गवर्नमेंट पे इसको ध्यान देना चाहिए और सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। जो रिस्पेक्टेड यहाँ के लोग हैं, जैसे SDM हो गए और भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, वो आके इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कंटिन्यूअस, ताकि एयरपोर्ट अच्छे वे में रहे, ताकि इसको इमरजेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सके। ये स्ट्रिप अभी रनवे पे डाल रखी है, ताकि इससे एक तरीके का मेजरमेंट हो सके, कितनी राइट में रोड है या लेफ्ट में, एज अ सेंटर इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने की साइड में कुछ वर्कर्स के लिए रूम्स वगैरह हैं। ये बिल्डिंग्स है। अंदर कुछ ऐसा है, अगस्त 1996 में चालू किया गया था। एज ए इमरजेंसी यूज करने के लिए है। सामने वॉशरूम वगैरह बने हैं जेंट्स और लेडीज। सामने गर्ल्स और बॉयज या मैन और वुमेन के लिए कह सकता है। ये मेन एंट्रेंस एरिया है, सामने गेट चमक रहा है, ढक्कन टूटा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इस पे ध्यान दिया जाए। ये सामने की तरफ गेट के सामने का एरिया है, जहाँ से प्रवेश ऑफिस के अंदर हुआ जाता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं या रेस्ट एरिया कह लीजिए। स्पेशली एयर स्ट्रिप इमरजेंसी यूज के लिए बनाया गया है। ये सामने मेन गेट है, ये सामने वर्कर्स रहते हैं, इधर भी सफाई बिल्कुल नहीं है। ये इसके पीछे गांव बसा हुआ है, जो कि खेती किसानी करते हैं। मेन एंट्रेंस गेट से
पलिया 7 किलोमीटर है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो खुद की व्हीकल से आ सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, रिक्शा। रोड ज़्यादा अच्छी कंडीशन में बाहर की नहीं है। आप खड़े रहिए, आपका यहाँ फोटो, ठीक है। ये 100-200 मीटर पे ही रोड अच्छी बना रखी है, जिसमें भी सफाई नहीं रहती है। उसके बाद आगे की रोड बहुत बेकार है, वो तो दिखाएंगे नहीं। वैसा जो था इधर जाना था गांव में फोड़ करने, उसे जा रहे पंडिया बाजी में। इस साइड में मुझा चला जाता है और आगे चल के पटियन निकल जा सकते हैं, और ये पलिया के साइड में रोड गई। पहचान के लिए टंकी याद रखिएगा, सामने टंकी पानी की दिख जाती है। आते समय उल्टे हाथ पे और जाते समय सीधे हाथ। यहाँ पे पूजा वगैरह भी, छठ पूजा वगैरह भी होती है, बने हुए हैं इधर। ये इधर से रोड गई हुई है, ये भी रोड थी पुरानी। ये पुल है, आइए चार भैया कितने यार।